हेलो सर, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट टेलीकॉम देवेंद्र अग्रवाल चैनल। आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मेरे पास में है दो आईफोन, और यहाँ पर एक आईफोन 11 और एक आईफोन 7 प्लस। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने फ़ोन को कर रहे हैं फ्लैश या अपग्रेड कर रहे हैं, या आपके पास कोई मसला आया है इसकी नैंड को, इसकी पी सी आई को लेकर इसका मसला आया, और आप इसको कर रहे हैं फ्लैश या अपग्रेड किसी टूल के साथ, और आप इसको लाना चाहते हैं रिकवरी मोड में, उसको लाना चाहते हैं DFU मोड में, तो किस तरह से आप इसको फ्लैश कर सकते हैं बिना होम बटन के। तो चलिए सबसे पहले करते हैं आईफोन 7 प्लस में, और क्योंकि आपको पता है एक्स में और एक्स के बाद कितने भी मॉडल में उसमें आपका होम बटन दिया ही नहीं है, तो कैसे करें इसको यहाँ पर रिकवरी मोड या इसके DFU मोड में एंटर। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के बारे में मुझसे पूछा गया था कि एक स्टूडेंट ने, वो मुझसे जानना चाहता था सर, उसके बाद में एक आईफोन आया है और उसका होम बटन नहीं है, और वो उसको फ्लैश करना चाहता है, तो उसको कैसे वो लाए रिकवरी मोड पे। तो चलिए उसको देखते हैं किस तरीके से लाया जा सकता है किसी भी फोन को रिकवरी मोड पे बिना होम बटन के। तो आपको करना है क्या, सिंपल सा फोन ऑन रखना है, कुछ नहीं, केबल लगा देना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वॉल्यूम डाउन। तो वो बहुत आसान है दोस्तों, वॉल्यूम डाउन और होम बटन, वॉल्यूम डाउन और पावर की को आपको दबाए रखना है। देखिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पावर की है, यहाँ वॉल्यूम डाउन है, सिर्फ इन दोनों को दबाए रखना है। देखिए, सिर्फ दबाए रखना है, कुछ नहीं करना है, और छोड़ना ही नहीं है आपको। कब तक नहीं छोड़ना, जब तक कि आपको वो रिकवरी मोड पे आना जाए आपका सेट। तो चलिए हम वेट करते हैं रिकवरी मोड पे आने के लिए हमारे सेट को। देखिए, अभी एक लोगो की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, देखिए, ओके, ये देखिए। तो ये आपका फोन आ चुका है रिकवरी मोड पे। आप यहाँ पे आसानी से यहाँ से फ्लैश पे जा सकते हैं, और यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं। इवन अपने आप जब iTunes ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा क्या आईफोन योर रिकवरी मोड। और अगर आप अपने फोन को रिकवरी मोड से हटाना चाहते हैं, तो 3U टूल में यहाँ पर एडजस्ट रिकवरी मोड का ऑप्शन है, वहाँ पे आप इसको टिक कर सकते हैं और इसे रिकवरी मोड से आप हट सकते हैं। सो दोस्तों, ये अच्छा है, ये आसान ट्रिक है। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आईफोन में आप ये किस तरीके से आईफोन एक्स और एक्स के ऊपर जितने भी मॉडल आप उसमें ये करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए मान के चलिए यहाँ पर लगा हुआ है पैटर्न, ओके। अब देखिए, फ़ोन को मैं करता हूँ बंद, देखिए फ़ोन यहाँ पर ऑफ होगा ही नहीं, तो कोई बात नहीं। तो मुझे करना है इसको केबल को लगाना है और इन दोनों को दबाए रखना है, वॉल्यूम डाउन, ये देखिए पावर का आ गया। अब मैं यहाँ से पावर बंद कर सकता हूँ, तो जनरली पावर को यहाँ पर बंद कर दिया, क्या किया, वॉल्यूम डाउन और इन दोनों को दबाए रखा, पावर का आ गया। अब तो बहुत आसान है, फोन हमने कर लिया बंद, अब हमें वॉल्यूम डाउन और पावर की को इस तरह दबाए रखना है। देखिए, मैंने दोनों को इस तरह दबा के रखा हुआ है, ये आईफोन 11। देखिए, मैंने अभी भी दोनों को एक साथ दबा के रखा हुआ है, ये देखिए। तो ये आ गया हमारा फोन रिकवरी मोड में। आसानी से आप इस गो फ्लैश में रखकर इसको कर सकते हैं फ्लैश। अगर आप थ्री टूल यूज नहीं करते हैं, आप यूज करना चाहते हैं आईट्यून, सो आप यहाँ पे भी इसके अपडेट में जाकर इसको कर सकते हैं फ्लैश। आपको करना क्या है, अगर आपने यहाँ पर फाइल को कर लिया है डाउनलोड, तो आपको यहाँ पर शिफ्ट का बटन दबाना है, और उसके साथ में आपको यहाँ पर रिस्टोर पर टिक करना है। तो आपको खुलेगी एक विंडो, और उस विंडो में आप क्या कर सकते हैं, आपको शिफ्ट का बटन, देखो यहाँ पर आपको शिफ्ट का बटन मिल जाएगा, सो आपको लेफ्ट शिफ्ट का बटन दबाना है, और उसमें विंडो खुल जाएगी। आपने इसके फॉर्म में डाउनलोड करके इसको बस टिक कर देना है, ये हो जाएगा आपका ऑटो मोड पे फ्लैश। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ये मेरे एक स्टूडेंट के कहने पर मैंने ये डाला था, उसने कहा था कि सर बहुत दिक्कतें आती हैं कि जब होम बटन नहीं होता है, या फिर समझ नहीं पाते हैं कैसा क्या है। सो ये हालांकि मैं क्लास में तो बताता हूँ, पर एक बाहर का स्टूडेंट है, तो उसके कहने पे एक वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे और आपको कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं, और मुझे कि किस सेक्शन पे मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ। दोस्तों सच बताऊँ, ऑनलाइन सीखना इस तरह इस तरह से यूट्यूब देखना ही हुआ क्या, और यूट्यूब देख कर आप प्रोफेशनल कभी नहीं बन सकते हैं। सो अगर प्रोफेशनल बनना है तो ज्वाइन करें एसर टेलीकॉम, और दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक बार मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन, इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना था?
स्पेशल चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक क्रिकेट को और फिर को आने वाले समय में देने वाले हमारे और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए एक महीना भी बहुत है। ठीक है, एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए इनके लिए, आईसी लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। An ISO 9001 and 2008 Certify Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.